नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi 9A पर क्रैश प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको भी क्रैशिंग का प्रॉब्लम आ रहा है डिवाइस पर, तो दोस्तों उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्यों क्रैश का इशू शुरू हो जाते हैं डिवाइस पर, ठीक है। तो वो आप आज इस वीडियो पर सब कुछ जान लीजिएगा, ठीक है। क्रैश प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होते हैं, कैसे करके उसको फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है, सॉल्यूशन करना है, प्रॉब्लम को फिक्स करना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको क्रैश का इशू है, रेडमी आपकी डिवाइस क्रैश होने का, रेडमी वो सब प्रॉब्लम दोस्तों आपको कई बार, ठीक है, तरह तरह की वेबसाइट उसमें जाते हैं, ठीक है। तो तरह तरह की वेबसाइट में जाके कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं या फिर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं, तो उन सब से प्रॉब्लम जो है वो आ जाते हैं, आपके फ़ोन से वायरस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा दोस्तों, ठीक है, चेक करें, जब भी आप कोई वेबसाइट पर जाते हैं, कोई एप्लीकेशन या फिर कोई चीज़ जो है डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो उनका साइट्स एक बार जरूर चेक करें। तो उन साइट्स में दोस्तों काफ़ी सारा वायरस वगैरह होते हैं। तो आप दोस्तों जो भी वेबसाइट पर जाके कुछ भी डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो इंस्टॉल करते वक्त वो सारे वायरस आपके फोन पर आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से क्रैशिंग का इशू शुरू हो जाते हैं और वो एप्लीकेशन जो भी है दोस्तों आप उसको अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं बैड एप्लीकेशंस, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन से डिवाइस पर, तो आप उनको जो है अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल करने से दोस्तों आपका जो फ़ोन है उसमें से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, Redmi 2, ठीक है। और आपके जो डिवाइस है उसमें स्टोरेज वगैरह भी चेक कर ले। यदि आपका स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फुल हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है, तो आप स्टोरेज वगैरह को भी क्लियर आप जरूर करें। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आपको जाना है अबाउट फ़ोन पर, स्टोरेज पर जाना है और क्लियर कैश पर आपको क्लिक करके कैश को क्लियर कर देना है। इससे आपको काफ़ी सारा जो स्पेस है वो वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको ये भी चेक करना है कि आपकी डिवाइस पर कितना स्टोरेज बचा हुआ है, तो आप ऊपर में देख सकते हैं, ठीक है। चेक करें आप जो है दोस्तों, कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस फाइल्स वगैरह को डिलीट करें यदि आपका स्टोरेज जो है काफ़ी फुल हो चुका है। उसके बाद आपका जो कैश वगैरह है उनको डिलीट करें, तो उन सब से दोस्तों आपका जो फ़ोन है उसमें प्रॉब्लम्स वगैरह फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये सब करके देख सकते हैं। सारे साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रैशिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्पेस वगैरह को चेक करने के सारे सारे, एप्लीकेशन को डिलीट करने के सारे साथ आपको डिवाइस सॉफ्टवेयर भी चेक करना है। अगर आपका डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है तो आपको अपडेट करना होगा, क्योंकि दोस्तों डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट करने से क्रैशिंग का जितने भी तरह का प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो बस आप ये सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं क्रैश प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। बाय एनी चांस मान ले आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स ही नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी भी फ़ोन क्रैश होते जा रहा है, तो दोस्तों आपको फैक्ट्री रीसेट कर देना है अपने डिवाइस को। उसके लिए आप जाइए अबाउट फ़ोन पर, बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करें और नीचे जाके इरेज ऑल डेटा पर, यानी कि फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है और अपने डिवाइस को रीसेट कर लेना है, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों आपका फ़ोन पूरा फ्री हो जाएगा और आपका क्रैश का इशू भी फिक्स हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही, इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व होगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें। इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू है, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।